नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। भारत में तालिबान की एंट्री की आशंका पर बोले सेना के जनरल, चिंता की कोई बात नहीं। मां ने अपनी बेटी को फोन कर खुदकुशी के लिए उकसाया। नोएडा में एक सप्ताह पूर्व सलारपुर गांव में विवाहिता ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। दिल्ली राजधानी के मादीपुर, साथ मारपीट करता देख बड़े भाई ने छोटे भाई की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। देश में तीसरी लहर की दस्तक, केरल में लॉकडाउन का सुझाव, मुंबई में 30,000 बेड की तैयारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी ने देशवासियों को दी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने रोहिणी इलाके में एक अंतर्राज्यीय हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 20 पिस्तौल और 50 जिंदा कारतूस जब्त किए। क्या संकट से निकलना भूल गई कांग्रेस? गुटबाजी, निर्णय नहीं लेने से पार्टी को हुआ बड़ा नुकसान। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर बड़ा हमला टाला, विस्फोटक ले जा रहे आतंकियों पर किया ड्रोन अटैक। 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में क्या होगा? अमेरिका समेत 98 देशों ने तालिबान से किया करार। अमेरिका के लुइजियाना प्रांत में चक्रवाती तूफान आइडा ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद से न्यू ऑरलियंस शहर में बिजली जा चुकी है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।